नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। इन दिनों तेजस्वी यादव काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों वो बिहार के हर क्षेत्र में जाकर, हर जिला में जाकर बाढ़ का दौरा कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनसे भी मुलाकात करें। इस सिलसिले में आज वो बख्तियारपुर पहुंचे थे और वहाँ पे वो मीडिया से क्या बातें कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। रोडो पर जो है मवेशी वगैरह बांध करके, और काफ़ी अब बीच में हमने एक शव भी देखा कि जलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पानी जो है तकरीबन जो है रोड तक छू रहा था। तो समस्या लगातार बरकरार है, और ये पार्टी की जो विधायिका हैं नवादा से, उनके द्वारा जो ट्रस्ट चलाया जाता है, यहाँ प्रत्येक दिन जो है लगभग जो है 5,000 लोगों को प्रत्येक दिन जो है भोजन कराया जाता है। यहाँ शिविर में, क्योंकि नवादा जाने के क्रम में हमको ये मौका मिला कि ये भी हम लोग कैंप वगैरह कैसा चल रहा है, और चाहे हमारे जितने विधायक हैं पार्टी के, सब लोग जो है लगातार एक्टिव हैं, चाहे मनेर के हों, दानापुर के हों, फतुहा के हों, बख्तियारपुर के हों, राघोपुर में हम खुद जो गए, और सिर्फ पटना के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, चाहे खगड़िया जिला हो या भागलपुर हो या आपका शाहबाद का इलाका हो जहाँ से गंगा गुजर करके आती है, बक्सर आला का इलाका हो, क्योंकि गंगा में जो जल स्तर जो है वो बढ़ा है, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो हम सूचना जो ले रहे हैं उसमें पानी जो है घटाव धीरे धीरे हो रही है, लेकिन समस्या जो है अभी वैसी है। बाढ़ का पानी जब हटता है तो उसके बाद जो है बीमारी होने की जो समस्या जो है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है, और साथ में महामारी भी चल रही है, वैक्सीनेशन भी है। अभी कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से सरकार को जो है गंभीर रूप से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई कि बाढ़ पीड़ितों को जो 6,000 रुपया मिलता है, वो 6,000 नहीं बल्कि जो प्रत्येक परिवार जो 15,000 रुपये जो है वो कर देना चाहिए। यही सवाल था कि बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 6,000 रुपये मिलता है, तो वही मुहैया नहीं हो पा रही सब लोगों तक। अभी तो लोग असमंजस में हैं। अभी तक तो जो हम राघोपुर जो होकर के आए, तो कई अधिकारी जो हैं वो पहुंचा ही नहीं पाए अब तक सूखा राशन। तो आप जो मुआवजे की जो बात कर रहे हैं वो तो दूर की बात है, पहले नाव और सूखा राशन तो पहुंच जाए, पहले लोगों को कम से कम बचाव राहत में या सुविधा जो है वो देनी चाहिए। अब बाढ़ में हमेशा जो है एक टैबलेट मिलता है दवा का, जिससे पानी पीने की समस्या बड़ी उत्पन्न होती है, क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं रहता, तो वो टैबलेट आता है जो कि आप बाढ़ का पानी या कहीं पानी में डाले तो वो जो है पीने लायक हो सकता है। वो टैबलेट तक जो है अब तक जो है उसके वितरण नहीं हुआ। तो जैसे कि आप लगातार अपने क्षेत्र में भी हर जगह दौरा कर रहे हैं, पार्टी नेताओं को, विधायकों को क्या निर्देश दे रहे हैं? लगातार सिर्फ देखिए, सिर्फ बाढ़ में ही नहीं, इससे पहले भी आपने देखा होगा या कोरोना काल में हो, पूरी तरीके से पार्टी के लोगों ने जिस मुस्तैदी के साथ आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी के निर्देश पे जो काम किया है, वो शायद ही और किसी के विधायकों ने, किसी दल के विधायकों ने किया हो या पार्टी के किसी वर्कर ने किया है। कैंप लगाने की बात हो या और तरह तरह की बातें, काफी काम। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि जिस तरीके से लालू यादव बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे, बाढ़ पीड़ितों की सहायता पहुंचाते थे, उस तरीके से अभी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा, या उनके जैसा मदद कोई भी सरकार या कोई भी नेता नहीं कर सकते जो लालू यादव क्या करते थे। साथ ही उन्होंने जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको क्या कुछ मुश्किलें हो रही हैं उनका भी वो जिक्र कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जब वो रास्ते से आ रहे थे तो एक शव को उन्होंने जलते देखा, काफ़ी परेशानी हो रही थी सब जलाने में, क्योंकि बाढ़ के कारण हर जगह पानी फैल चुका है, लकड़ियां भींग चुकी है, जिसके कारण लोगों को कितनी मुश्किलें हो रही हैं, लोगों को किस दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी तमाम बातों पर वो मीडिया से बात कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि जो लोगों को, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जो सहायता राशि
प्रदान की जाती है 6,000 रुपए, उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया जाए। आपको बता दें कि जब वो अपने संसदीय क्षेत्र राघोपुर गए थे तो भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको जो राशि दी जाती है 6,000 रुपए, वो मदद राशि बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया जाए। बाकी तमाम चीजों पे वो बातें कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के बारे में बातें कर रहे हैं और लगातार बाकी जो बाढ़ से घिरा हुआ जिला है जहाँ पे काफी ज्यादा बाढ़ आई हुई है वहाँ पे भी वो लगातार जा रहे हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहार इंसॉर्ट्स के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।